जो जैसे एंट्री करेगा एंट्री पॉइंट उस पे की जाएगी, और कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जो है 1.5 घंटे पहले जो है एंट्री करा दी जाएगी। पहले 1 घंटे का ये प्रावधान था, तो कोविड को दृष्टिगत रखते कि भीड़ ना लगे, इसलिए 1.5 घंटे पहले जो है हम जो है परीक्षा केंद्र जो है वो एंट्री दे देगा परीक्षार्थियों को। तो ये कुछ स्पष्ट निर्देश हैं। उस दिन परीक्षा वाले दिन जो है हमारा धारा 144 का लगी हुई है जनपद में, और सारी जो है हमारी जितनी भी फोटोकॉपी की दुकानें हैं या अन्य चीजें हैं वो सारी चीजें जो है बंद रहेंगी। परीक्षा को शांतपूर्ण ढंग से निष्पादित करने के लिए शांतपूर्ण और बिना नकल के स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयारी कर चुका है। इसमें किसी प्रकार की भी कोई अगर व्यक्ति इस प्रकार का नकल कराते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो है जिला प्रशासन की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्याप्त जो है एसपी साहब की तरफ से पर्याप्त जो है पुलिस बल लगा दिया गया है, इसलिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं अभ्यर्थी कितने सर जी अभ्यर्थी कितने परीक्षार्थी कितने 8,000 जो है प्रथम पाली में जो है आपके परीक्षार्थी हैं। और अगर किसी को कोई लक्षण उस टाइप का आता भी है, अगर उसको बुखार बुखार होगा तो उसके लिए अलग अरेंजमेंट करेंगे वो, तो वो मिक्सअप नहीं होगा बाकी लोगों के साथ, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट इसमें नहीं ले जाना है। बाकी कोविड के लिए जो भी प्रोटोकॉल है उसका ही पालन होगा एंट्री पॉइंट पे। पिछली बार भी ये अरेंजमेंट तो हम लोग कराए ही थे कि मोबाइल वगैरह सब वहीं कलेक्ट करा लेते थे, वो चीज़ें इस बार भी हैं। इस बार कंटिन्यूस वीडियोग्राफी भी इनको कराना है एंट्री पॉइंट से लेके, और वो पेपर जब सील खुलता है और जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर लास्ट में जब पैक होता है तब तक का। सर ये 9 परीक्षा केंद्र सिर्फ शहर के ही हैं कि पिछला जो अरेंजमेंट था वो वही चीज है, कोई ज्यादा उसमें चेंज नहीं है। सिर्फ ये है कि उनको समय दिया गया थोड़ा सा पहले आने के लिए, एग्जाम से 1.5 घंटा पहले से अपने पॉइंट पे पहुंचे सेंटर पे, ताकि उनका ठीक से स्कैनिंग वगैरह हो जाए और प्रॉपरली वो अंदर चले जाए, उनका सामान जो वाला है वो कलेक्ट हो जाए इसके लिए, और बाकी उनको थोड़ा सा वही 10-15 मिनट कितना रिलैक्स किया, आधे घंटे रिलैक्स किया सर। लेकिन वो अफरा तफरी रहेगी, इसलिए सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे अपील यही है कि वो समय से पहले आ जाए ताकि